अब बड़ा इंटरेस्टिंग, वो जो कुछ हल्के ऐसे हैं ना जिन पे बड़ा कांटे का मुकाबला है और लोगों को इंतजार भी है, उसी में से एक है डीआई खान का NA44 के 5 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा, जो NA44 पर आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर 3,556 वोट्स के साथ आगे हैं, और यहीं पर JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब 3,435 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब भी यही इसी हलके को वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको शायद तीसरा नंबर हो या मोस्ट प्रोबेबली चौथा हो। ये अब वो जो आपने एग्जिट पोल वाली बात की, डी खान में निकला वोटर, ये हमें थोड़ा अली अमीन गंडापुर और मौलाना साहब के गंडापुर, और इसके साथ साथ एक और मानसेरा का भी हमारे पास नतीजा है। मानसेरा NA15 के 1 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजा, जिसमें आजाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब खान 148 वोट लेकर आगे है, और नवाज शरीफ 100 वोट लेकर पीछे है गैर सरकारी और गैर रस्मी 1 पोलिंग स्टेशन का, बट स्टिल नतीजा तो है।